सबको ओम शांति। नवोदय योग में आपका स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से दूत बनकर गए और उन्होंने हस्तिनापुर में अपने जो कर्तव्य का निर्वहन किया उसके संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, शांत की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए। रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान पर वह एक रात विश्राम करने की ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्वासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं श्री कृष्ण के प्रतीक्षा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक रचर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुन ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं सम्भ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र को देख कर बोले, राजन, पांडव सात प्रिय हैं, परंतु साथ साथ वे भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भागशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदो, मैं भी वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण के प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है कि लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है, हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों की आज्ञा दी गांधारी को बुलाने के लिए भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया, क्रोध के कारण उसके आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन अपने साथियों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने पहले से तो उन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की चेष्टा देख कर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। जब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली,
सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुँचे। उन्होंने सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम्हें मेरे प्राणों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांत स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि अब युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत व्याकुल हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करते हुए गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्यान्ह के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडव की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी। कर्ण ने शिष्टापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो तुम केवल सूत पुत्री हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधीरथ तुम्हारे पिता। तुमको जाना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर वह बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों का आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज प्राप्त करो। वह भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। कर्ण माता कुंती का अनुरोध स्वीकार सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित ही हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊँ? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य वही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी एक बात व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडवों के प्राण नहीं लूँगा। या अर्जुन इस युद्ध में काम आ गया, मैं दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको कभी नहीं मारूंगा। इस प्रकार से आपके पांच पुत्र हलाक में रहेंगे। चाहे मैं मर जाऊं, चाहे अर्जुन, दोनों में से एक बचेगा तो चार जिंदा रहे। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर माता कुंती अपने महल में चली आई। आप जानते हैं कि माता कुंती अपने जीवन में बहुत ही दुखों का उन्होंने भंडार झेला था और हमेशा ही भगवान से ही मांग करती थी कि हे प्रभु, मुझे दुखी मिले, मुझे सुख की चिंता नहीं है। तो जो लोग आज की कथा यहीं तक, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। ओम शांति।